हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसब में का फिर से। इस वीडियो में हम क्लास 12 के आर्ट्स स्ट्रीम के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। हमने हिंदी और इंग्लिश का ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का कुछ ही घंटों में हम अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गंवाए हुए। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हरप्पा किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो ये रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तीन में लोथल कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है कि ए गुजरात होगा। अहमदाबाद गुजरात में है, इसलिए इसका आंसर तीन का ए होगा। चार में हमारे देखें तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो आर डी बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। फाइव में देखें इंडिका के लेखक कौन है, तो इन जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं है इंडिका के लेखक, इसलिए डी आंसर होगा इसका, नन। उसके बाद गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसमें समुद्रगुप्त आंसर होगा इसका, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद किस रूलर ने धम्मा को इंट्रोड्यूस किया था एंशियंट इंडिया में, तो अशोका ने इंट्रोड्यूस किया था। आठवें नंबर में है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख है, यानी कि एट का सी होगा। नाइन नंबर में देखें अगर हम, तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। फिर उसके बाद टेन में देखें तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म पितामह को जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर बी होगा टेन में। इलेवन की बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से इनका संबंध है। ट्वेल्व में देखें तो बुद्धिस्ट काउंसिल किस रीजन, किस रूलर के रीजन में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर होगा कि कनिष्क के रीजन में ये हेल्ड हुआ था। दीन इलाही किससे संबंधित है, तो ये अकबर से संबंधित है, अकबर ने इस धर्म को इंट्रोड्यूस किया था। 14 में अगर हम देखें तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। जाजिया किसे लिया जाता था, तो ये जिमीज पे करते थे जाजियाज। उसके बाद अगर हम देखें तो 17 में देखें तो मुगल इम्पेरर, किस मुगल इम्पेरर ने टोबैको का यूज स्टार्ट किया था, तो अकबर के रूल में पोर्टुगीज ने इसको स्टार्ट किया था, फिर जहांगीर ने आगे जाकर इसको बंद कर दिया था, तो 17 में डी होगा आंसर। 18 की अगर हम बात करें तो अलबरूनी किसको अपने साथ लाया था, तो गजनी को अपने साथ लाया था। 19 में देखें तो फेमस विरूपक्षा टेम्पल जो है वो कहाँ है, तो हम्पी में है। उसके बाद 22 नंबर में अगर हम देखें तो कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानुज के शिष्य थे। जितने आंसर अभी छूट रहे हैं तो उसका हम कुछ दिन में अपने कमेंट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, तो आप लगातार अपडेटेड रहिए, देखते रहिए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है 25 नंबर में, तो इसमें ए होगा, कबीर के उपदेश उसमें संग्रहित हैं। 26 नंबर में अगर हम देखें तो सूफी सेक्ट निजामुद्दीन औलिया किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये चिश्ती से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद 27 में देखें तो तहकीके हिंद में किसका ट्रेवल अकाउंट है, किसका यात्रा वृतांत है, तो अलबरौनी का ट्रेवल अकाउंट है तहकीके हिंद में। 28 में अगर हम देखें तो मेगास्थनीज कौन थे, तो एक ट्रेवलर था, एक्सप्लोरर था। 29 में है कि सो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल और बिहार में किसने शुरू किया था, किसको क्रेडिट जाता है इसका, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका क्रेडिट जाता है परमानेंट सेटलमेंट का बंगाल और बिहार में इस्टेब्लिश करने का। 30 में है कि पहला यूरोपियन कौन था जो इंडिया आया था, तो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली जो थे, जो वही पहली बार इंडिया में आए थे। 31 में है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1773 में, यानी कि बी ऑप्शन होगा 31 में। 32 की अगर हम बात करें तो पोर्टुगीज कब कैप्चर कर लिया था गोवा पे, तो 1510 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था गोवा को। उसके बाद 33 की अगर हम बात करें तो संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। 34 में है कि दामिने कोह क्या है, तो नन ऑफ द अबव है इसमें, इसमें कोच नहीं है दामिने कोह। 35 में है कि हिली एरियाज को दामिने कोह का नाम दिया गया था, तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 35 की अगर हम बात करें तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। 36 में अगर हम देखें तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 37 में है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप से किससे एसोसिएटेड है, तो डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप से। उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनस किस स्टाइल का बिल्डिंग है, तो इंडो सारासेनिक स्टाइल का बिल्डिंग है विक्टोरिया टर्मिनस। 39 में देखें गेटवे ऑफ इंडिया कब बिल्ट हुआ था, तो 1914 में बिल्ट हुआ था ये। 40 में देखें तो दांडी मार्च से कौन सा दूसरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो फेमस जो चंपारण सत्याग्रह है, यानी कि चंपारण से किया था सबसे पहला आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1920 में प्रारंभ हुआ।
में देखें साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। उसके बाद 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो इसको रॉलेट एक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद 45 में जालियांवाला बाग कब हत्याकांड हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद बंगाल के विभाग की घोषणा जो है कि 1905 में हुई थी, यानी 46 का ए होगा। पाकिस्तान सब को चौधरी रहमत अली ने दिया था, तो 27 का सी होगा। 48 में देखें तो सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 49 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है हमारा वो लागू हुआ था, इसलिए 49 में डी होगा। 50 में की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे स्वतंत्र भारत के। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका जल्दी हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, सारा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वो अपलोड करें। तो धन्यवाद।